दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी जो है मोटरोला का मोबाइल है और आपके मोबाइल में जो है कॉल नहीं हो रहा, आप लोग जब भी किसी को भी कॉल कर रहे हो तो आपकी कॉल लगी नहीं दी या फिर कॉल बार बार कट जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक करोगे वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है दोस्तों उस सेटिंग को आपको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखाई देगी दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐप्स के नाम से या फिर ऐप मैनेजमेंट के नाम से, तो आपको जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगी, फिर से एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज ऐप्स का या फिर ऐप लिस्ट का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो सारे यहाँ पर जो है आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ऊपर दिख रहा है एक सर्च बार, तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है सर्च बार पर। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कॉल, यहाँ पर आपको कॉल सर्च करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर कॉल सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला कॉल वाला ऐप आ जाएगा जिससे आप लोग कॉल करते हो कॉल मैनेजमेंट के नाम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है कॉल मैनेजमेंट पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर स्टोरेज का ऑप्शन, तो आपको स्टोरेज पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसका जो है क्लियर डाटा कर देना है स्टोरेज का। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इससे आपका नंबर वंबर कुछ भी डिलीट नहीं होगा, पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो है क्लियर डाटा कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन, तो आपको फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक करना है और ओके कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे फिर से दिख रहा है क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है दूसरा, मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर आपको सर्च करना है आपकी बार फ़ोन, यहाँ पर आपको सर्च करना है फ़ोन। जैसे आप लोग यहाँ पर फ़ोन सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, एक तो ये फ़ोन सर्विस का, दूसरा ये वाला फ़ोन का। तो आपको जो है इन दोनों ऐप पर आपको क्लिक करना है, मैंने आपको जो दिखाया, एक तो फ़ोन सर्विस और दूसरा फ़ोन। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पर क्लिक कर लेता हूँ पहले। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस स्टोरेज पर जाना है, इसका डाटा क्लियर कर लेना है क्लियर ऑल डाटा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है क्लियर ऑल डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है, बैक आना है। उसके बाद फ़ोन सर्विस पर जाना है, इसका स्टोरेज पर जाना है क्लियर ऑल डाटा, बैक आना है, नीचे भी क्लियर ऑल डाटा, फोर्स स्टॉप कर लेना है। बस दोस्तों आपको इतना सा काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या फिर रीबूट ये कर देना है। जैसे आप लोग स्विच ऑफ या फिर रीबूट करोगे अपने मोबाइल को, उसके बाद आप लोग ऑन करोगे तो आप लोग किसी को भी कॉल करना बिंदास आपकी कॉल लग जाएगी, आप लोग कॉल करके देख लेना। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।